डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ 9th अप्रैल 2020 थर्सडे एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर गोइंग टू डिलीवर अ विजुअल लेक्चर फॉर यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज़ फॉर स्पेलिंग एंड लेटर नंबर 12। माई लेक्चर इज़ फॉर 9th N1 बॉयज़ एंड गर्ल्स। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स, यू मे आस्क। एज़ यू नो स्टूडेंट्स, हम टेक्स्ट बुक से काम कर रहे थे अपना यूनिट नंबर 2 पैट्रियटिज़म, जिसकी रीडिंग ट्रांसलेशन हमने कंप्लीट कर ली थी और वर्ड सेंटेंसेस हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो लिखे थे। आपसे मैंने कहा था कि आप अपनी नोटबुक पे उन्हें नोट डाउन करेंगे और उनको अच्छी तरह से याद करेंगे। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। किसी भी यूनिट के जब हमने क्वेश्चन आंसर्स या वर्ड सेंटेंसेस करने हैं तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी एक सेपरेटली नोटबुक प्रिपेयर करेंगे इंग्लिश की, जिसमें आप अपना जो है वो ये क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड सेंटेंसेस वाला काम प्रॉपरली नीट राइटिंग में करेंगे, ताकि आपके एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएं, इसी तरह आपकी रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी किसी यूनिट की हमने रीडिंग ट्रांसलेशन कंप्लीट करने के बाद वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो हमने क्या करना है कि उनके नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। जो आपकी आपका दूसरा सेक्शन है P1, उनके पास ये नोट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इस वजह से आपने क्या करना है, इसी तरह से जैसे कि उन्होंने अपनी बहुत अच्छी तरह से नोटबुक प्रिपेयर की है, विद मार्जिन लाइन, डेट मेंशन करके, चैप्टर का नेम मेंशन करना है और क्वेश्चन आंसर्स आप लिख रहे हैं प्रॉपरली, जो है वो ब्लू मार्कर और ब्लू पेन का यूज़ करते हुए अच्छी तरह से जो है वो अपनी नोटबुक जो है वो प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अगर सपोज़ आपके पास जो है वो पंजाब ग्रुप ऑफ हाई स्कूल्स की नोटबुक नहीं मौजूद, तो आप किसी रफ रजिस्टर को भी यूज़ कर सकते हैं उसका ब्लू कवर जो है वो करके। लेकिन कोशिश करें कि आप जो है वो आपके पास अगर मौजूद है पहले से, तो आप जो है वो पंजाब ग्रुप ऑफ हाई स्कूल्स की नोटबुक ही यूज़ करें। ठीक है, तो आपने उसमें नीट राइटिंग में अपने नोट्स ये प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चन आंसर्स के और वर्ड सेंटेंसेस के। कल वाले लेक्चर में हमने वर्ड सेंटेंसेस किए थे, तब भी मैंने आपसे यही बात की थी और आज भी क्वेश्चन आंसर करते हुए भी यही बात करूँगी कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो आंसर्स के लिए या सेंटेंस मेकिंग के लिए, आपकी टेक्स्ट बुक का जो मटेरियल है वही आप यूज़ करें। यानी कि जो चैप्टर में आपकी टेक्स्ट है उसी को आप यूज़ करेंगे सेंटेंस मेकिंग के लिए और आंसर्स के लिए। ये एक अच्छा इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। इसमें जैसा कि बहुत सारे बच्चे किसी हेल्पिंग बुक से कर रहे होते हैं वर्ड सेंटेंसेस या क्वेश्चन आंसर्स, या जो है वो खुद से सेंटेंस मेकिंग कर रहे होते हैं, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। मतलब कि ये लगता है कि सेंटेंस मेकिंग आप खुद से करें, लेकिन चूंकि एनुअल पेपर में ये एक चेकर पे अच्छा इम्पैक्ट होता है कि बच्चे को अच्छे तरह से जो है वो लेसन की समझ आई थी और उसने उसी टेक्स्ट को जो है वो यूज़ किया है अपनी सेंटेंस मेकिंग में और क्वेश्चन आंसर्स में, तो सिर्फ इसलिए मैं स्टूडेंट से कहती हूँ कि वो सेंटेंस मेकिंग जिस चैप्टर की भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी जिस चैप्टर के करें, तो उसी चैप्टर का जो चैप्टर का मटेरियल है, टेक्स्ट है, उसको यूज़ किया करें। ठीक है, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन आंसर्स यूनिट नंबर 2। आज हम करेंगे इसके सिर्फ 3 क्वेश्चंस, ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं और आप इनको लिख के देख सकें। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज़म। हाउ विल यू डिफाइन, आप किस तरह से तारीफ करेंगे पैट्रियटिज़म, पैट्रियटिज़म की यानी जज्बाए हुब्बुल वतनी की, जज्बाए हुब्बुल वतनी की आप कैसे तारीफ करेंगे। पैट्रियटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो आंसर है ये मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है। ठीक है, और उसकी फर्स्ट लाइन है चैप्टर की, जिसमें हमने देखा था कि पैट्रियटिज़म को डिफ़ाइन किया जाता है, फिर पैट्रियट को डिफ़ाइन किया जाता है। इसके इंट्रोडक्शन की जो लाइंस थी उसको हमने आंसर में यूज़ किया है। पैट्रियटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और
और डिवोशन टू वंस कंट्री, जज्बा हुबुल वतनी का मतलब अपने वतन से मोहब्बत और मुल्क से अकीदत है। क्वेश्चन आंसर करते हुए ये बात बेटा आपने अपने जहन में रखनी है कि 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आता है, जैसा कि आपको बोर्ड पैटर्न पता है कि जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव पार्ट का क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और उसमें जो है वो टोटल क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं आपको 8, ठीक है, और आपने 5 out of 8 अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी उन 5 क्वेश्चंस को 8 सवाल जो हैं उनमें से आपने 5 करने हैं, 3 की चॉइस होती है, ठीक है। तो वो जो 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस उनके मार्क्स जो हैं वो आपके होते हैं 10, यानी ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो उन 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें आपके एक तो जो चीज़ चेक की जाती है कि आपका रेलिवेंट मटेरियल होना चाहिए, फिर आपकी स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सो आपने कोशिश करनी है कि शॉर्ट हो आप क्वेश्चन, लेकिन टू द पॉइंट हो और रेलिवेंट हो, यानी कि मुतल्लका हो, जो सवाल पूछा गया है उसी का जवाब दिया जाए। पेट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री, ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियॉट। पेट्रियॉट का मतलब होता है मुहिब वतन, वतन से मोहब्बत करने वाला, वतन से जो मोहब्बत करने वाला है या जो मुहिब वतन है उसकी क्या खूबियाँ हैं। हमने लेसन में देखा था सेकेंड पैराग्राफ में, पैट्रियटिज्म को डिफाइन करने के बाद उसकी इम्पॉर्टेंस किसी भी पर्सन की लाइफ में बताने के बाद चैप्टर में जिक्र किया गया था कि पैट्रियॉट जो हैं मुहिब वतन या जो मुहिबान वतन हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या खूबियाँ रखते हैं। अ पैट्रियॉट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब वतन अपने मुल्क से प्यार करता है, एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेज, और जब ज़रूरत पड़ती है तो कुर्बानी के लिए तैयार होता है। He is courageous enough to safeguard the interest of the country and nation. He is courageous enough, वो इस कदर हौसलामंद होता है कि अपने मुल्क और कौम के मुफाद की हिफाजत कर सके, ठीक है। वो अपने मुल्क और कौम के मुफाद की हिफाजत के लिए हौसला रखता है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स जैसे कि उनको लगता है, वैसे तो ये इतना मैंने कोई डिटेल्ड आंसर नहीं दिया, यानी इतना लंबा चौड़ा आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको याद करने में इतना प्रॉब्लम होती है, तो वो यूँ कर सकते हैं कि वो सिर्फ फर्स्ट लाइन जो मैंने इस आंसर की लिखी हुई है, अ पैट्रियॉट लव इज हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेज, सिर्फ इतना भी आंसर लिखते हैं, ये भी इनफ है। लेकिन कोशिश करें बेटा, मैं इसी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा काम डेली का करवा रही हूँ, आप कोशिश करें कि आप सिर्फ जो है वो पूरा आंसर इसका अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जो नेक्स्ट लाइन है उसमें भी उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी पैट्रियॉट की बताई हुई है, तो ये एक प्रॉपर थोड़ा सा आंसर हो जाता है। आप जो है वो सही तरह से डिफाइन कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज़ को। सो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इसको पूरे को ही याद करके लिख के देखें, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप 1 से 2 दफ़ा इसको देख के लिखेंगे, फिर आप जो है वो 2-3 दफ़ा इसको जो है वो लिखेंगे ज़ुबानी, तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो आप सेल्फ चेकिंग में इसको ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। तो कोई काम जो होता है वो करने से ही आता है, तो आप कोशिश करें कि इसको प्रॉपरली करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर कंट्री। पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर कंट्री, मुल्क के लिए आपकी क्या जो है वो मुल्क के लिए फ़राइज़ हैं, ठीक है। एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वी शुड लुक आफ्टर द इंटरेस्ट एंड प्रोग्रेस ऑफ आर कंट्री। अब ये एक क्वेश्चन है इस तरह का जिसमें जो है वो थोड़ा सा चैप्टर से हट के बात पूछी गई है, यानी कि पूछा आपकी आपके एज पे जाके आपसे बात पूछी गई है। तो आपने बेटा एक चीज़ का ध्यान करना है कि जब भी आप आंसर लिखते हैं तो आप यू का वर्ड यूज़ नहीं करते, आप कोशिश करते हैं कि सेकंड पर्सन आप यूज़ ना करें, फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, और बल्कि कोशिश करें कि थर्ड पर्सन में रहें आप, यानी कि ही शी इट दे जिसे हम कहते हैं, यू का वर्ड आप जो है वो आंसर्स में यूज़ ना करें, ठीक है।
एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी होने की वी शुड लुक आफ्टर द इंटरेस्ट एंड प्रोग्रेस ऑफ आर कंट्री। मुल्क का शहरी होने की हैसियत से हमें मुल्क के मुफाद और तरक्की का ख्याल रखना चाहिए। द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ आर कंट्री आर सुप्रीम वैल्यूज फॉर अस। द सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है सालमियत, एंड ऑनर और वक़ार या इज्जत भी कह सकते हैं, ऑफ आर कंट्री, हमारे मुल्क का, आर सुप्रीम वैल्यूज जो है वो आला तरीन इकदार हैं फॉर अस, हमारे लिए। द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ आर कंट्री आर सुप्रीम वैल्यूज फॉर अस। हमारे मुल्क का वक़ार, सालमियत और ख़ुद मुख्तारी हमारे लिए आला तरीन इकदार हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है वो, चाहे ये क्वेश्चन जो है वो हमारे एज पे आके उनसे पूछा गया था, हमारी ड्यूटीज़ पूछी गई थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि हम जो है वो बुक यानी जो चैप्टर है उससे ही मटेरियल को यूज़ करें, ताकि जो चेकर है उस पर एक अच्छा इम्पेक्ट हो, उसे पता चले कि चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा गया है, उसको गो थ्रू किया गया है, और उसी से जो है वो कोशिश की गई है आंसर्स को लेने की। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स यूनिट नंबर 2 के, जिनको आपने जो है वो अच्छी तरह से याद करना है और फिर इनको लिख के देखना है। जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उनको पढ़ेंगे। ये जो 3 हैं इनको आपने लिख के भी देखना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है नीटली, फिर अपने रफ नोटबुक पे इसको लिख के देखना है और याद करना है। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास हैं स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप, चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स, एमसीक्यूज़ हैं आपके यूनिट नंबर 2 पैट्रियटिज़म के। इसमें मैंने जो कल लेक्चर था हमारा, प्रीवियस हमारा लेक्चर था, उसमें हमने क्या किया था कि सिनोनम से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे वो हमने किए थे। आपका जो सेकंड चैप्टर है पैट्रियटिज़म, इसमें हमारे जो एमसीक्यूज हैं रिलेटेड टू स्पेलिंग्स, ठीक है, वो आज हमने करने हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो होता है आपका 19 मार्क्स का, 19 नंबर का, स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कल भी कि उसमें सिनोनिम्स का जो पोर्शन है थर्ड वन होता है, ठीक है, और 5 मार्क्स का आपके पेपर में आता है। जो आपका स्पेलिंग्स वाला पोर्शन होता है वो आपके एनुअल पेपर में जो 19 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के हैं उसमें से 4 मार्क्स करेक्ट स्पेलिंग के होते हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट पोर्शन होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब से रिलेटेड, सेकंड पोर्शन होता है आपका स्पेलिंग से रिलेटेड, और थर्ड पोर्शन आपका सिनोनिम से रिलेटेड। फोर्थ वन आपका जो पोर्शन ऑब्जेक्टिव में होता है वो आपका ग्रामर से रिलेटेड होता है। जो आपका सेकंड पोर्शन है स्पेलिंग्स वाला, ठीक है, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो उस पर फोकस करेंगे हम। स्पेलिंग से रिलेटेड जो पोर्शन है वो आपका आपकी बुक में से ही आता है, टेक्स्ट बुक में से, ठीक है। हर चैप्टर की आपने जो है वो ग्लॉसरी तैयार करनी होती है, एंड पे जो वर्ड्स दिए हुए होते हैं और उनके सिनोनिम्स दिए हुए होते हैं, ठीक है, उसको हम ग्लॉसरी बोलते हैं। ग्लॉसरी में से आपने जो है वो आपके जो वर्ड्स हैं गिवन उनको आपने याद करना है विद स्पेलिंग्स, ठीक है, और उनके जो सामने वाले वर्ड्स हैं यानी उनके जो मानी हैं सिनोनिम्स हैं दिए हुए, वो आपका पोर्शन तैयार हो जाएगा थर्ड वाला। तो स्पेलिंग तैयार करने के लिए ग्लॉसरी के जो वर्ड्स हैं उसके साथ साथ हमने जो है वो चैप्टर के भी कुछ वर्ड्स जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं थोड़े, उनको तैयार करना है, क्योंकि आपका जो पेपर एनुअल है उसमें से भी सेट होता है मोस्टली, ठीक है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप हर चैप्टर 12 आपके चैप्टर्स हैं टेक्स्ट बुक के, उसमें से हर चैप्टर की आप ग्लॉसरी एट द एंड ऑफ द चैप्टर जब आप तैयार करते हैं और चैप्टर जो के जब आप पढ़ते हैं तो उसमें से भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं आप उनको अंडरलाइन करके उनके मीनिंग लिख रहे होते हैं, तो उन वर्ड के भी आपने साथ साथ स्पेलिंग याद करते जाना है। इस तरह आपकी जो स्पेलिंग वाला पोर्शन है उसकी अच्छी तैयारी हो जाती है। इसके साथ मैं कोशिश करूँगी कि हर चैप्टर के एंड पे हम जो स्पेलिंग वाला पोर्शन है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं आपके फैसलाबाद बोर्ड के या डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं उसमें प्रीवियस पेपर्स में जो आए हुए हैं पेपर में रिपीट हुए हैं वो बार बार जो रिपीट होते हैं उनको एक जगह पे कलेक्ट करके आपको जो है वो दिए गए हैं। तो ये स्पेलिंग जो है वो आपने याद करने हैं। यूनिट नंबर 2 के आज हमने पढ़ने हैं पैट्रियटिज़म, चैप्टर है आपका चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग।
आपने इनको घर में किस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आपने जो 4 आपके ऑप्शंस हैं इनको लिख के देख लेना, ठीक है। और पहले स्पेलिंग याद करनी है ग्लॉसरी से, बुक से, चैप्टर से, फिर जो है वो आपने इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, देन आपने इनको सेल्फ चेकिंग करनी है, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। फर्स्ट आपका एमसीक्यू है मार्टिडम। मार्टिडम का मतलब होता है शहादत। मार्टिडम इसका जो फर्स्ट एमसीक्यू है ए, ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो MARTYRDOM मार्टिडम, ये इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ए ऑप्शन है। फिर आ जाता है आपका जो है वो सेकंड एमसीक्यू, मिल्ट्री फौजी, MILITARY मिल्ट्री। देन आपका थर्ड एमसीक्यू है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली में CONTINUOSLY कंटिन्यूसली, ये आपका जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। फोर्थ एमसीक्यू में आप देखें सी ऑप्शन, SUPREME, सुप्रीम, टॉप, इसका मतलब होता है आला तरीन, ठीक है। फिर है आपका फिफ्थ एमसीक्यू पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म का मतलब होता है जज्बा हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत का जज्बा, PATRIOTISM पैट्रियटिज्म। सिक्स्थ एमसीक्यू है आपका कमेंडेबल, बी ऑप्शन। कमेंडेबल के स्पेलिंग आप देखें COMMENDABLE कमेंडेबल। आपने जब वर्ड को विद स्पेलिंग याद किया होता है तो आप इसको इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से वाला जो स्पेलिंग है वो ठीक है, ठीक है। तो बाकी वाले जो गलत होते हैं वो भी आपके सामने होते हैं। सेवन्थ आपका एमसीक्यू है सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है बर्रे सगीर, SUBCONTINENT सब कॉन्टिनेंट। फिर है आपका एमसीक्यू एट वन, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब होता है कुर्बानी देना, सेक्रीफाइस, SACRIFICE सेक्रीफाइस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। टिक भी किए हुए मैंने ताकि आप इनको अच्छी तरह से याद कर सकें। नाइन्थ है आपका थिसारस। फिर है 10th एमसीक्यू आपका इन्वेयन। इन्वेयन का मतलब होता है हमला, INVASION इन्वेयन। 11th आपका एमसीक्यू है नेटिव। नेटिव का मतलब होता है आबाई या माँ बाप से मुतलका, पेरेंट्स से मुतलका कोई जगह हो या कोई भी चीज़ हो, नेटिव, NATIVE नेटिव, आबाई, ठीक है। 12th आपका जो है वो एमसीक्यू है डिवोशन, DEVOTION डिवोशन, अकीदत या लगन, ठीक है। ये थे आपके 12 एमसीक्यूज़ जो कि आपके ग्लॉसरी से जो वर्ड्स हैं या जो आपकी यूनिट की जो टेक्स्ट है उसमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो लिए गए थे। और ये वो वर्ड्स हैं जो कि आप जो है वो देखते हैं अपने प्रीवियस पेपर्स में, जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनमें बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हर एमसीक्यू के एंड पे आपको दिखाया गया है कि फैसलाबाद बोर्ड में इस ईयर में ये आए, फिर लाहौर बोर्ड में, ठीक है, मुल्तान बोर्ड में, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनमें काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हुए वर्ड हैं जो कि आपने याद करने हैं। टेक्स्ट बुक का हमने काम किया है आज, जिसमें हमने यूनिट नंबर 2 पैट्रियटिज्म की क्वेश्चन आंसर्स किए थे, उसके साथ साथ उसके स्पेलिंग एमसीक्यूज किए हैं। अब हमने जो है वो अपना ग्रामर का थोड़ा सा काम करना है। ग्रामर में हम अपने लेटर्स कंप्लीट कर रहे थे, तो अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम नेक्स्ट लेटर देखेंगे उसमें। जी स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू लेटर नंबर 12। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर। राइट अ लेटर, खत लिखें टू योर फ्रेंड अपने दोस्त के नाम, कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर, उसकी जो माँ है उसकी वफात पर इजहार अफसोस या ताज़ियत करने के लिए। इस लेटर के बारे में मैं आपको बताती जाऊँ कि ये लेटर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो आपके एग्ज़ाम्स जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं उनमें रिपीट हुआ है। यानी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है और इसको लिख के देखना है।
और यही लेटर जो है वो इस दफ़ा यानी 2020 का जो 9th का जो बोर्ड का पेपर था फैसलाबाद बोर्ड का, उसमें भी ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह से याद करके लिख के देखना है। लेटर का पैटर्न आपको मैंने इमेज के फॉर्म में सेंड किया हुआ है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, डेट मेंशन करनी है आपने। डियर आमिर या डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं या कोई भी नाम लिख सकते हैं आप। आई हैव जस्ट रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ योर मदर्स डेथ। आई हैव जस्ट रिसीव्ड, मुझे अभी अभी मौसूल हुई द न्यूज़ ऑफ योर मदर्स डेथ, आपकी वालदा की वफ़ात की खबर। मुझे अभी अभी आपकी वालदा की वफ़ात की खबर मौसूल हुई। आई एम रियली शॉक टू हेयर इट, मुझे ये सुनकर हकीकतन धचका लगा। रियली हकीकतन शॉक्ड, धचका लगा। मुझे ये सुनकर हकीकतन धचका लगा। शी वॉज़ अ वेरी नोबल लेडी, वो एक नहायत नेक खातून थी। वेरी नहायत नोबल लेडी, नेक खातून थी, वो एक नहायत नेक खातून थी। आई हैड स्पेशल अटैचमेंट टू हर, स्पेशल अटैचमेंट खास खसूसी लगाओ, मुझे उनसे खसूसी लगाओ था। शी लव्ड मी एज हर ओन सन, वो मुझे अपनी बेटे की तरह से मोहब्बत करती थी। अगर जो है वो आप यहाँ पे सन की जगह पे डॉटर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सन भी लिखें तो ये इनकरेक्ट नहीं होगा। शी लव्ड मी एज हर ओन सन, वो मुझे अपने बेटे की तरह से मोहब्बत करती थी। बट द लॉज ऑफ नेचर आर एब्सल्यूट, लेकिन जो कुदरत के कवानीन हैं वो क्या हैं, यकीनी हैं। वी हैव टू बो बिफोर देम, हमें उनके सामने झुकना पड़ता है। यानी कि मौत के जिक्र किया गया है कि वो एक यकीनी चीज़ है, इससे जो है वो मुंह नहीं हम फेर सकते, तो इसके सामने हमें झुकना ही पड़ता है। ऑल माई सिम्पथीज आर विद यू, मेरी तमाम हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ दैट यू विल बियर दिस लॉस विद पेशेंस, कि आप इस नुकसान को हौसले से बर्दाश्त करेंगी एंड करेज, और सब्र से बर्दाश्त करेंगी एंड करेज और हौसले के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस नुकसान को हौसले और सब्र से बर्दाश्त करेंगी। मे हर सोल रेस्ट इन हेवन, अल्लाह ताला उनकी जो रूह है वो जन्नत में उसको जगह दे। योर्स ट्रूली एक्स वाई जी, तूर की जगह पे यहाँ हमने क्या लिखना है, एक्स वाई जी। योर्स ट्रूली, योर सिंसियरली भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जी आपने जो है वो कैपिटल लिखना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें।